हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट फैशन। आज हम बनाएंगे पठानी सलवार, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े का एक पीस लिया है। सबसे पहले ये जो हमारा पीस है ये डबल फोल्ड में है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट डबल फोल्ड में है, इसे हम यहाँ पर फोर फोल्ड कर लेंगे। और जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है जो आप देख रहे हो एक्स्ट्रा है, उसे हम सीधा कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा निकाल देंगे हम ऊपर से। इसकी कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर इसकी लेंथ देखेंगे, हमारे कपड़े की टोटल लेंथ कितनी है बची हुई। ये जो पठानी सलवार होती है वो तीन पीसेस में कट होती है। ऊपर वाला बेल्ट का अलग होता है, हमारे जो नीचे वाली पट्टी होती है पोंचे की वो अलग होती है, और जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो हमारे कुंदे हैं जैसे नॉर्मल सलवार के होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसके लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी हमने यहाँ पर निशान लगाया है कुंदे जो की है, उसका निशान हम लगाएंगे 15 इंच पर। ये निशान हमने यहाँ पर लगाया है जो हमारा ओपन पार्ट है, ठीक है। जो हमारा क्लोज पार्ट है वो हमारा जो आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। जो हमारा आसन आएगा वो हमारे ओपन पार्ट की तरफ आएगा, ठीक है। 15 इंच के निशानों को हमने लगाकर सीधा कर लेना है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान मैंने यहाँ पर 6 इंच पर लगाया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी तरफ पोंचे का निशान लगाएंगे। पोंचा हमारा नॉर्मल जो पोंचा होता है, जो ये सलवार हमने बच्चे के लिए बनानी है उसके हिसाब से हमारा नॉर्मल पोंचे से हमने यहाँ पर डबल लेना है जो कि है 8 इंच। देन उसके बाद आसन से हम पोंचे की तरफ तिरछा मार्कर से निशान लगा देंगे। देन उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर कुंदों की कटिंग की है। ठीक है, देन इसके बाद हम इसे ओपन कर कर देख लेंगे, ठीक है। जो हमारा जो दूसरा पार्ट आएगा जो हमारे आसन के ऑपोजिट है वो क्लोज पार्ट ही आएगा, ठीक है। दोनों तरफ ये हमने ओपन पार्ट नहीं लेना, ठीक है। ये हमारी सलवार दूसरी नहीं है, बेल्ट वाली जो दूसरी जो सिंपल होती है वो नहीं है, ये हमारी पठानी सलवार है। आप इसे मर्दीना सलवार भी बोल सकते हो। देन उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट के जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने टोटल 3 इंच ली है, ठीक है। देन इसके बाद जो इसकी जो लेंथ ली है वो 3 इंच ली है, और जो हम चौड़ाई लेंगे वो हमने यहाँ पर हमें चाहिए 11, लेकिन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 इंच और ले लेंगे जो हमारा सिलाई में आएगा, ठीक है, कटिंग में आएगा। देन इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। ये जो हमारी बेल्ट है वो छोटी हो जाएगी बिकॉज हम इसमें ऊपर की तरफ फोल्ड में आएगा जहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। ये हमने दो पार्ट कट कर लिए हैं पठानी सलवार के, कुंदे और बेल्ट। देन इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी शर्ट के साथ वाला कपड़ा है उसके मैचिंग के साथ हम यहाँ पर नीचे वाली पट्टी कट करेंगे पोंचों की, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर हमारे पोंचे की जो कटिंग करेंगे, जैसे हमने लेंथ जो हमने ली थी कुंदे की, लेंथ नहीं पोंचा जो लिया था हमने 8 इंच के हिसाब से लिया था बिकॉज डबल लिया था, लेकिन इसमें हम यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई लेंगे वो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच ली है, ठीक है। डबल फोल्ड में ये कम रह जाएगी, ये तकरीबन 1.5 इंच के करीब ही रहेगी। देन उसके बाद लेंथ हम इसकी 9 इंच लेंगे, ठीक है। हम हमारे कुंदे के हिसाब से ले रहे हैं, जो हमने कुंदे के हिसाब से नीचे वाला पोंचा का पार्ट आएगा उस हिसाब से हमने यहाँ पर लिया है इसे। देन इसके बाद ये हमारा इस तरह डबल फोल्ड में डबल फोल्ड हो जाएगा बिकॉज हमने इसकी चौड़ाई 3.5 ली थी, और ये हम फोल्ड कर लेंगे। ये कुछ इस तरह दिखेगा, बनेगा। नीचे की तरफ हमारे ये इस तरह जुड़ेंगे जो हमारी पट्टी है, और ऊपर की तरफ हमारी जो है बेल्ट लगेगी। देन उसके बाद हम यहाँ पर दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे कुंदों को, और उनका सेंटर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से इसका सेंटर निकालेंगे और नीचे से भी इसका सेंटर निकालेंगे। ये हमारा कपड़ा कम है, इसका अर्थ जो चौड़ाई आएगी वो कम है, इसलिए हम इसे
नहीं डालेंगे ना बॉक्स प्लेट इसमें डालेंगे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा कम है, इसलिए हम यहाँ पर इसे चूनट्स डाल देंगे, जो हम डालेंगे धागा खींचकर, जो डलती है धागा खींचकर। इससे भी सलवार आपकी बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपका कपड़ा ज्यादा होता ये कपड़ा, तब हम इसमें प्लेट्स भी डाल सकते थे और बॉक्स प्लेट भी डाल सकते थे, लेकिन ये हमारा जो कपड़े की चौड़ाई है वो कम है, इसलिए हम यहाँ पर इस पे चूनट्स डालेंगे। देन इसके बाद हमने यहाँ पर आसन को जोड़ लेना है, ठीक है? दोनों साइड से आसन को जोड़ लेंगे। आसन जोड़ने के बाद हम यहाँ पर कपड़े को सीधा करेंगे, हमारी जो सलवार है इसे सीधा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक साइड से, बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा हटकर हम यहाँ पर मोटी सिलाई लगाएंगे। मशीन से हम मोटी सिलाई लगा देंगे। मोटी सिलाई इसलिए बिकॉज हम इसे जब खींचेंगे तो इससे अच्छी चुनट्स डलेंगी, जो बारीक सिलाई होती है उससे चुनट्स नहीं डलती, वो खींची नहीं होता धागा। जब हम मोटी सिलाई लगाएंगे तभी ये खींच होगा। देन इसके बाद ये सिलाई मैंने यहाँ पर सेंटर से लगानी शुरू की थी, उसके बाद हम यहाँ पर इसे खत्म भी सेंटर पर ही करेंगे, थोड़ा सा दोनों में थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, बिकॉज हमें दोनों तरफ से धागों को खींचना है, ठीक है? ये हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसे धागों को खींचेंगे, हल्के हाथों से खींचना है आपको, बिल्कुल जबरदस्त नहीं खींचना, धागा आपका बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए। आप जब सिलाई भी लगाओगे आपको सिलाई एक बार में ही लगानी है सेंटर से सेंटर तक, बिकॉज आप आधे में सिलाई लगाओगे और फिर उसे कट करके और लगाओगे तो ये धागा खींच नहीं होगा, ठीक है? एक बार में ही लगानी है और इसे आपको हल्के हाथों से ही खींचना है, आपका धागा टूटना नहीं चाहिए। इसने अभी हम यहाँ पर इसे अच्छे से चुनट डाल देंगे, बैक साइड पर भी इसके चुनट डालेंगे। आपको चुनट इस हिसाब से डालने हैं कि दोनों तरफ सेंटर अच्छे से निकलना चाहिए, लेफ्ट और राइट का। यहाँ पर हमने कट लगाया था उसका सेंटर विजिबल होना चाहिए, बिल्कुल लेफ्ट और राइट में ही होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पर जो हमारी सिलाई है आसन की, उसके दोनों साइड बैक पर भी और फ्रंट पर भी 1 1 इंच छोड़ देना है, ठीक है? ये 1 इंच हमने छोड़ा है, जहाँ से हम 1 इंच के अंदर अंदर बिल्कुल कोई भी सिलाई नहीं आएगी, मतलब कोई भी हम चूनट नहीं डालेंगे, उसके बाहर बाहर ही चूनट डालेंगे, ठीक है? देन उसके बाद हम यहाँ पर इसे बेल्ट को जोड़ देंगे, ठीक है? सबसे पहले हमने यहाँ पर बेल्ट को एक साइड से जो हमारा जोड़ डालना है सिल देंगे, जो नहीं डाला मतलब सिल देंगे जो ओपन पार्ट है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर बेल्ट को कितना फोल्ड करना है उसी हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा देंगे, ठीक है? मैंने यहाँ पर इसका निशान लगाया है तकरीबन 1 1/4 इंच के भीतर लगाया है, ठीक है? बिकॉज ये निशान आपको लगाना है अपनी इलास्टिक के हिसाब से, आपकी इलास्टिक की कितनी चौड़ाई है उस हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है? देखिए यहाँ पर मेरी जो मैंने यहाँ पर इलास्टिक डाली है वो 1/2 इंच उसकी चौड़ाई है, इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 1/4 इंच के हिसाब से निशान लगाया है, बिकॉज हमें फोल्ड भी करना है, ठीक है? देन उसके बाद हम इसे यहाँ पर हमने निशान लगाया है उस हिसाब से हम इसे फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल निशान की जो लगाया है उस हिसाब से कपड़े को अंदर की तरफ कर कर फोल्ड कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर हमने बारीक सिलाई लगा देनी है, ठीक है? यहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है, ठीक है? आपको उसके दोनों साइड 1 इंच का मार्जिन छोड़कर फिनिश करनी है, बिकॉज हमने एक पार्ट हमने ओपन रखना है जिससे हम हमारी इलास्टिक को अंदर की तरफ डालेंगे, ठीक है? इसकी चौड़ाई की जो हमने बनाया है नेफा, हमने फोल्ड किया है, नेफे में डालने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है जिससे हम इलास्टिक को अंदर की तरफ डाल सके। पूरा एक बार में नहीं सिल देना, ठीक है? हम इसे यहाँ पर
अच्छे से सिलाई लगा देंगे। निशान लगाने से ऐसा होता है कि आप कपड़ा कम या ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते, कर पाओगे, बिल्कुल सेम जो है उसी हिसाब से आप फोल्ड करेंगे, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं। देन उसके बाद हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ छोटा सा पार्ट छोड़ दिया है, बेल्ट के ओपन छोड़ दिया है, यहाँ पर हमने सिलाई लगानी शुरू की थी। देन उसके बाद हमारे जो कुंदों वाला पार्ट है वो सीधा रखेंगे और बेल्ट को ऊपर से नेफी वाले पार्ट को नीचे की तरफ रखेंगे और ओपन वाले पार्ट को बिल्कुल कुंदे जो हमारे हमने बनाए हैं, जो डाले हैं, सिले हैं, यहाँ पर ट्यूनर्स डाले हैं, उसके ऊपर बिल्कुल सेम रखकर बेल्ट को सिल देंगे। ये जो हमारी चुनट्स वाली सलवार होती है ना, जो पठानी सलवार होती है, इसे सिलना बहुत अच्छा है, बिकॉज चुनट्स जो होती है हम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर हमारा कपड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो चुनट्स निकाल भी सकते हैं और चुनट्स डाल भी सकते हैं, इसका ये फायदा होता है। ठीक है, इस हिसाब से हमने यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा दी है। ये हमने मोटी सिलाई ही लगाई है, बिकॉज हमारा अगर जो हमने चूर्ण डाले हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो सकता है, उस हिसाब से अगर आप नॉर्मल सलवार भी सिलते हो, प्लेट्स वाली या कुछ भी, तभी आप ये जो सिलाई लगाओगे आप मोटी लगाओगे, बिकॉज हम जब हम इसे सीधा करेंगे तो ऊपर की तरफ एक फिनिशिंग वाली सिलाई आती है, उसमें ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये वाली सिलाई बारीक लगाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगाते हो तो। अगर आप नहीं लगाते हो तब आपको यहाँ पर भी बारीक सिलाई ही लगानी होगी। देन उसके बाद हमने यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर लिया है कुंदों के साथ। देन उसके बाद हम इसे सीधा करके सेंटर से सिलाई लगानी स्टार्ट कर देंगे, आसन से बिल्कुल साथ साथ हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल साथ साथ, ऊपर नीचे नहीं लगानी, बिल्कुल ऊपर की तरफ लगानी है, बेल्ट पर ही ये सिलाई लगेगी, लेकिन लगेगी जहाँ पर आपने कुंदे अटैच किए हैं बिल्कुल उसी सिलाई के साथ ही लगेगी। ठीक है, ये हमारी फिनिशिंग की सिलाई है जिससे हमारी सलवार दिखने में भी खूबसूरत लगेगी, अच्छी फिनिशिंग के साथ बनी हुई लगेगी, इसलिए आपको ये सिलाई बिल्कुल साथ साथ ही लगानी है और बहुत अच्छे से लगानी है। जहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू की थी वहां पर ही हम इसे खत्म करेंगे। देन इसके बाद हम इसे धागे को कटिंग कर देंगे और ये हमने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। ठीक है, इतनी सलवार हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ हमारा जो ओपन पार्ट है पोंचो वाला, उस पर भी हम यहाँ पर मोटी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, उस पर भी हम चूनट से ही डालेंगे, मोटी सिलाई लगा के दोनों तरफ इसको भी हम धागे से खींच देंगे। ठीक है, ये धागा हमारा जो सेंटर वाला हमने कट लगाया था पोंचे पर, एक दूसरे के ऑपोजिट धागे खींचेंगे, बिल्कुल दोनों तरफ से धागे खींचेंगे और हमारे जो हमने कट लगाया था उस तक हम धागे हमारे देखेंगे, हमारा किस हिसाब से यूनिट्स डले हैं। ठीक है, ऐसे हम धीरे धीरे करके यहाँ पर भी चूनट डाल लेंगे। ये मैंने पहले भी बोला था आपको, यहाँ पर धागा एक बार में ही लगाना है। ठीक है, और मोटा ही लगाना है, मोटा धागा जो मतलब मोटी सिलाई ही लगानी है, बिकॉज इसे आप खींचने में आसान होते हैं, आसान होता है। ये हमने दोनों तरफ चूनट डाले हैं दोनों पोंछों पर। देन उसके बाद ये चूनट हमने इस हिसाब से डालें जितने हमारे पोंछे की हमें चौड़ाई रखनी है। ठीक है, मैंने आपको बोला था हमें पोंछे की चौड़ाई रखनी है 4 इंच। ठीक है, उस हिसाब से ही हमने उसके भीतर भीतर ही चूनट्स डाले हैं जो हमारे डबल फोल्ड में 4 इंच आएंगे, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए कोई फर्क नहीं, बिकॉज सिलाई में भी आएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी पट्टी है जो हमने अटैच करनी है पोंचों से नीचे की तरफ, ठीक है, उसमें हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल किया है। पेपर पेस्टिंग की लेंथ मैंने यहाँ पर ली है तकरीबन 1.25 इंच। ठीक है, 1.25 इंच के करीब ली है। देन उसके बाद हम मैंने यहाँ पर इसे इस्त्री से अच्छे से कपड़े पर फिक्स कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर फिक्स करने के बाद जो हमारी पट्टी है उनका भी मैंने सेंटर के निशान लगा दिया है मार्कर से। ठीक है, कैंची से नहीं लगाया, सीधा मार्कर से लगा दिया है जिससे हमें पता चलेगा हमारा सेंटर पट्टी का कहाँ है। ठीक है,
हमारे पोंचे का जो सेंटर है जो कुंदे का है वो तो हमने ऑलरेडी पहले ही लगा लिया था, थोड़ा हल्का सा कट लगा लिया था कैंची से। देन उसके बाद हम दोनों कट मतलब नीचे वाला कट और ऊपर वाला निशान सेम रख कर देखेंगे, हमारा बिल्कुल सेम आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए। उस हिसाब से हमने यहाँ पर कपड़े को रख कर बारीक सिलाई लगा दी है। ठीक है, ये सिलाई आपको बारीक ही लगानी है, एक बार में ही लगा देनी है, इस पर मैंने कोई यहाँ पर फिनिशिंग की कोई सिलाई सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये एक बार में ही आपको बारीक सिलाई लगा देनी है दोनों साइड पर। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ इसी तरह हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम इसे ओपन कर कर देखेंगे किस तरह दिखेगा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर दूसरी साइड भी पट्टी को रखकर सेंटर के साथ मिलाते हुए ऊपर से बारीक सिलाई लगा देंगे। मैंने इस सलवार के साथ वाला साथ में कुर्ती भी बनाई है, लेकिन हम मैं इसे एक वीडियो में नहीं डाल सकती बिकॉज ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये सलवार वाला पार्ट अलग किया है और इसकी कुर्ती वाला पार्ट अलग से बनाऊंगी, आपको बना कर दूंगी। देन इसके बाद हमने यहाँ पर दोनों पोंचों को अटैच कर लिया है। ठीक है, देन उसके बाद हम इसे सिलाई लगा देंगे पोंचों से सीधे आसन की तरफ। पहले हमने यहाँ पर पोंचे का निशान लगाया है, दोनों तरफ हम इसे निशान लगाएंगे, हमें कितना पोंचा चाहिए। ये मैंने यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाया है। पोंचों से ये हम एक पोंचे से आसन तक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, आसन पर खत्म करके उसे वहीं पर कट करके धागे को सेकंड में फिर उसी हिसाब से पोंचे से आसन तक निशान लगाएंगे। ऐसा करने से ये होगा हमारा कपड़ा भी सरकेगा नहीं, आगे पीछे नहीं होगा, और दूसरा होगा हमारा आसन भी अच्छे से पक्का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने पोंचे को डबल सिलाई लगा दी है, ये सिलाई हम आसन तक लगाएंगे। आसन को इसी तरह सिलाई को नीचे से निकाल कर फिर दूसरी तरफ पोंचे पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हम यहाँ वो जो हमारा पोंचा है उसे हम पक्का कर लेंगे अच्छे से। हमने यहाँ पर अच्छे से दोनों जो हमारे पोंचे हैं उसे जोड़ लिया है। देन उसके बाद ये हमारी सलवार बन चुकी है। ठीक है, लेकिन इसका ऊपर वाला पार्ट अभी बचा है जिसमें हम बेल्ट में इलास्टिक डालेंगे। जो इलास्टिक हम डालेंगे वो डबल फोल्ड में हमारी जो हिप है उससे 4-5 इंच कम डालेंगे। ठीक है, आपको डबल फोल्ड में अपनी हिप से 4 या 5 इंच कम कट करनी है अपनी इलास्टिक। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर इलास्टिक को सेफ्टी पिन की हेल्प के साथ ठीक है नेफे में डाल लिया है, जैसे हम नाड़ा डालते हैं सलवार में उसी तरह मैंने यहाँ पर इलास्टिक डाल दिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो इलास्टिक है उसे एक के ऊपर एक रख कर यहाँ पर पक्का कर लेंगे, सिलाई लगा देंगे। आपको ये ध्यान देना है अगर आप जब आप इलास्टिक डालोगे तो आपकी जो इलास्टिक है बीच में उसमें कोई भी सिलवट नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो ऐसे ही घूमती रहेगी नेफे में। देन उसके बाद हम इसे इलास्टिक को अच्छे से पक्का कर कर ऐसे ही सलवार को सेट करेंगे। और यहाँ से हमने इसे अंदर की तरफ डाला है इलास्टिक को, पहले वो वाला पार्ट कवर कर देंगे, सिलाई लगा देंगे उस पर जो हमारा ओपन पार्ट ठीक है। वहां पर सिलाई लगाने के बाद इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगती है जो कि मोटी सिलाई होती है, बारीक नहीं होती, वो मैंने यहाँ पर लगा लेनी है।
लेकिन मेरे पास यहाँ पर हाथ वाली मशीन है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसे लगा ही लिया था, बिकॉज हाथ वाली मशीन में दूसरी तरफ खींचना पड़ता है। अगर आपके पास पैरों वाली मशीन है तो आप इसे इजीली लगा सकते हो, ठीक है। पीछे की तरफ खींच के लगती है इलास्टिक। ये हमारी सलवार बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।